स्वच्छता सर्वेक्षण में अपनाए जाने वाले नवाचार में नगर परिषद ने अनूठा प्रयोग किया है। छात्राओं को प्रेरित करते हुए उन्हें आमंत्रित किया, जिसमें शासकीय कन्या विद्यालय की छात्राओं के द्वारा बाजार और घरों से निकलने वाले पॉलीथिन को एकत्रित किया गया और उस पॉलीथिन को नगर परिषद कार्यालय लाकर जमा किया। यहां पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने छात्राओं को प्लास्टिक से होने वाली धरती और पर्यावरण को बचाने के विषय में बताया। यादव ने छात्राओं से कहा कि जो भी छात्रा या छात्र हमें पॉलीथिन लाकर देंगे, हम उन्हें पुस्तक और नोटबुक देंगे। इस नवाचार से सभी छात्राओं को कार्यालय का भ्रमण कराकर सभी छात्राओं को समस्त शाखाओं का भ्रमण कराया गया। इस दौरान छात्रा मोहिनी कुशवाहा को एक दिन का मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनाया गया। कार्यालय का कार्य संचालन का तरीका बताया गया। स्वच्छता के लिए किए गए प्रयोग की छात्राओं ने सराहना की और भरोसा दिलाया कि हम अपने आसपास पड़े प्लास्टिक बोतलें और कांच के टुकड़े अनुपयोगी प्लास्टिक को एकत्रित करेंगे और नगर परिषद में जमा करेंगे। नवाचार में अनुराग भार्गव, स्वच्छता नोडल प्रभारी नीरज छारी, हरनेन्द्र श्रीवास्तव, पुरुषोत्तम दरोगा, रजनीश कुशवाहा, विपिन बिहारी मिश्रा, सीमा उदेनिया, कल्पना गोस्वामी आदि छात्राएं उपस्थित थीं। हम अपने देश को स्वच्छता से मुक्त कराने के लिए। तो आप चाहती है कि आपका इंद्रगढ़ भी स्वच्छ रहे? हाँ सर। तो कैसे होगा? हमें अपने आसपास के कूड़ों को साफ करना होगा और जो प्लास्टिक होता है, कांच, लोहा, जो सब चीज़ें होती हैं, उनका उपयोग ना करें, सिर्फ कागज को उपयोग करें। कागज को एक साइड रखें और उनको जल्द से जल्द वो नष्ट हो जाते हैं, पर पॉलीथिन हमेशा नष्ट नहीं होती।